कर्नाटक में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमले करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं की कुल 12 रैलियां और 2 रोड शो हुए। आपको बता दें कि कर्नाटक की जमीन पर आज जहां पीएम मोदी और अमित शाह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं सिद्धारमैया, बीएस येदुरप्पा, एसडी कुमारस्वामी, एसडी देवगौड़ा और मायावती भी जमकर रैलियों को संबोधित कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक चुनावों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चित्रदुर्ग, रायचूर, जमाखंडी और हुबली में रैलियां की। उनकी पहली रैली चित्रदुर्ग में हुई, दूसरी रैली रायचूर में हुई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो एसी रूम में बैठकर कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा होने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप रायचूर आइए और वोटर्स का मूड देखिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि रायचूर में शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता की धरती है। कांग्रेस ने इससे कुछ नहीं सीखा। जब यहाँ की जनता अलग कर्नाटक के लिए संघर्ष कर रही थी, तब जनसंघ पार्टी अपने साथ खड़ी थी। कांग्रेस को अगर रायचूर की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता होता तो कर्नाटक का विभाजन नहीं होता। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जमकर बीजेपी पर हमले कर रही है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।